हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ साइलोज थर्ड थ्योरम का एग्जांपल्स कि किस तरह से हम साइलो थर्ड थ्योरम को यूज करते हैं और निकालते हैं नंबर ऑफ पी सब ग्रुप्स। सो अभी तक जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है कि क्या होता है पी सब ग्रुप, पी साइलो सब ग्रुप और कौन से तीन साइलोज थ्योरम्स हैं, तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पहले उसको देखिए। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से हम साइलो थ्री थर्ड साइलो थ्योरम का यूज करते हैं क्वेश्चंस में टू फाइंड द नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप्स। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ जिसमें हमें एक ग्रुप दिया है जी, जो कि फाइनाइट ग्रुप है और उसका ऑर्डर है 6। सो लेट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू 6। तो अब हमें इसके बारे में बात करनी है कि इस ग्रुप के कितने पी साइलो सब ग्रुप्स होंगे और कौन कौन से पी साइलो सब ग्रुप्स होंगे। तो सबसे पहले हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखेंगे। जो कि होता है 2 × 3। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है, हमने सबसे पहले लगाना है साइलोज फर्स्ट साइलो थ्योरम, जिसमें है कि अगर जी एक फाइनाइट ग्रुप है जिसकी ऑर्डर फाइनाइट है, ठीक है, और पी एक प्राइम नंबर है और वो उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, देन जी हैज पी साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। ठीक है, मतलब पी की पावर अगर है कुछ एम, पी टू दी पावर एम है अगर, तो वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, तो जी हैज पी साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी टू दी पावर एम। सो ये है साइलोज की फर्स्ट थ्योरम, जिसका यूज करके यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इसके पास भी, इस ग्रुप के पास दो पी साइलो सब ग्रुप होंगे, एक होगा 2 और एक होगा 3, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है। सो जी हैज 2 साइलो सब ग्रुप, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसा लिख रहे हैं साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, इसकी ऑर्डर क्या होगी, इसकी ऑर्डर 2 × 1 ही होगी क्योंकि ये 2 × 1 है। अगर यहाँ 2 × 2 होता तो ऑर्डर 2 की पावर 2 कहलाती और वो 2 साइलो सब ग्रुप ही कहलाता। इसी तरह से यहाँ पर जी हैज 3 साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 × 1, 3 ऑर्डर का ही एक साइलो सब ग्रुप होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, 2 साइलो सब ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर 2। अब हम देखते हैं साइलोज थर्ड थ्योरम लगा के कि नंबर ऑफ पी साइलो सब ग्रुप ये बताता है थर्ड साइलो थ्योरम, वो कितने होते हैं, 1+KT टाइप के होते हैं, ठीक है, इतने होते हैं। सो यहाँ पर हमें निकालना है नंबर ऑफ 2 साइलो सब ग्रुप्स, तो वो कितना हो जाएगा, 1+K2, ठीक है। और आप जानते हैं ये सब ग्रुप है और सब ग्रुप हमेशा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1+2 के क्या होगा, डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी होना चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पर के क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से इंटीजर्स लेंगे। सो यहाँ हो जाएगा 1+2 के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 6। तो अब हम के की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/6 जो कि राइट है। अगर हम के की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 2 × 1+1 3/6 हो जाएगा, विच इज ऑल्सो ट्रू, और k इक्वल टू 2 लेंगे तो ये 5/6 विच इज फॉल्स, 5 does not divide 6। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब नंबर ऑफ 2SG 2 साइलो सब ग्रुप कितने हैं, या तो 1 है या फिर 3 है, यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज मिल रही है, 1 और 3, मतलब 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकते हैं। और अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो ये जो 6 ऑर्डर का सब ग्रुप, 6 ऑर्डर का ग्रुप है, इसका मतलब हमारा ये हो सकता है Z6, क्योंकि Z6 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ये हो सकता है Z6।
और जेड सिक्स की अगर बात करें तो टू साइलो सब ग्रुप जेड सिक्स में कितने होते हैं? दो, एक होता है, एक होता है वो कहलाता है जेड टू। ठीक है, इसके पास टू साइलो सब ग्रुप एक ही होता है वो है जेड टू। दैट मीन्स कि ये एग्जांपल इसका हो सकता है। इसके साथ बात करेंगे वन का तो क्लियर हो गया, ये होता है। अब थ्री किस में हो सकता है? तो थ्री के लिए हम लेंगे एस थ्री। ठीक है, ये क्या है? एडिशन मॉड्यूलो सिक्स है। ठीक है, और एस थ्री की बात करें तो इसके पास कितने होते हैं टू साइलो सब ग्रुप्स? थ्री होते हैं। इसलिए ये भी एक एग्जांपल है जिस इस एस थ्री का ऑर्डर भी कितना होता है? सिक्स होता है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब हम बात करते हैं थ्री साइलो सब ग्रुप, तो यहां पर भी नंबर ऑफ थ्री साइलो सब ग्रुप्स कितने होंगे? वन प्लस थ्री के टाइप के होंगे। अब हम पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं, के की वैल्यू जीरो रखते हैं तो वन प्लस थ्री के कितना हो जाएगा? ये ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करना चाहिए। जीरो रखेंगे तो वन डिवाइड सिक्स टू, वन रखेंगे तो थ्री वन जा थ्री प्लस वन, फोर डिवाइड सिक्स फॉल्स, फोर डज नॉट डिवाइड सिक्स। इसी तरह से टू रखेंगे तो ये सेवन हो जाएगा। सो इस तरह से ये फॉल्स हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी है, वो क्या है? वन। ठीक है, मतलब एक ही तीन साइलो सब ग्रुप होगा किसमें? ऐसे ग्रुप में जिसकी ऑर्डर सिक्स है। तो हम इन दोनों एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जेड सिक्स में आपका थ्री ऑर्डर का जेड थ्री होगा, और एस थ्री में भी आपका होगा एक साइलो सब ग्रुप जिसका ऑर्डर थ्री होगा। ठीक है, वो कहलाता है एक। तो इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसको अलग से एक वीडियो में बता दूंगी। ये एग्जांपल है जिसका ऑर्डर सिक्स होता है। सो ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर सिक्स है वो है जेड सिक्स और एस थ्री। इसमें आपने देखा टू साइलो सब ग्रुप एक ही है जेड टू, इसमें थ्री होते हैं टू साइलो सब ग्रुप्स, और थ्री साइलो सब ग्रुप एक ही होता है इसका जेड थ्री, और इसका होता है एक वो है ए थ्री। ठीक है, सो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी इन दोनों एग्जांपल्स में। इसके बाद बात करते हैं कि जिसकी जो साइलो सब ग्रुप एक ही होता है, नंबर ऑफ साइलो सब पी साइलो सब ग्रुप अगर वन आ रहा है, मतलब यूनिक है। ठीक है, जैसे यहां पर वन आया था, नंबर ऑफ थ्री साइलो सब ग्रुप्स कितने आए? वन, एक ही है यूनिक, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिक हो जाएगा, यूनिक सब ग्रुप या यूनिक ग्रुप। और यूनिक ग्रुप हमेशा क्या होता है? नॉर्मल होता है। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि अगर नॉर्मल सब ग्रुप पूछ रहा है आपसे तो आप ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। आप चेक कर लीजिए कि जो आपका पी एस एस जी मतलब पी साइलो सब ग्रुप है वो अगर यूनिक है, इसका मतलब कि वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। सो ये यूनिक नॉर्मल होता है, दैट मीन्स कि जी हैज वन नॉर्मल यूनिक नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर थ्री। ठीक है, इसी तरह से यहां पर यूनिक भी हो सकता है और थ्री भी हो सकते हैं, थ्री टू साइलो सब ग्रुप्स भी हो सकते हैं।